चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स की। देखिए, टेस्ट कैसे, इनको टेस्ट भी बोला जाता है कि हम अल्कोहल ग्रुप का टेस्ट कैसे करें। तो इसका नाम है लुकस रिएजेंट, इसको बोलते हैं HCl प्लस एनहाइड्रेट जेडन Cl2। रिएक्शन कैसे करता है वो हम देख लेते हैं। अल्कोहल ग्रुप जेडन Cl2 से रिएक्शन करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये Cl- जो है यहां पर रिलीज करेगा, ठीक है, और OH ग्रुप लेके यहां से Cl- यहां पे अटैक करेगा और RCl बनाएगा, जेडन Cl2 OH- ग्रुप रिलीज करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जेडन Cl2 जो है हाइड्रोलाइज, अगर हम एसिडिक मीडियम में बात कर रहे हैं, वापस जो ये स्पीशीज है जेडन Cl2 की प्रेजेंस में वापस जेडन Cl2 देती है, मतलब जेडन Cl2 OH- जो है वापस H+ की प्रेजेंस में Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेशल बात क्या है कि अगर हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल है तो हमारे इसमें जो क्लाउडीनेस है एकदम आ जाती है, मतलब जो पीपीटी है इस तरह से कुछ पीपीटी बनेंगे अगर तुम ये रीजन डालोगे तो ये जस्ट इमिडिएटली आ जाती है। अगर हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये क्लाउडीनेस जो है थोड़ी लेट आती है, कुछ मिनट्स लगते हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, ठीक है। लेकिन अगर एकदम बिल्कुल भी अपेयर ना हो तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इससे हमारे पास क्या चलता है कि जेडन Cl2 जो है 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ में जेडन Cl2 प्लस HCl जो है वो बहुत रिएक्टिव तरीके से काम करता है। तो ये चीज पता चल गई, अगर टेस्ट पता चल गया 3 डिग्री 2 डिग्री का, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल्स का। एक और टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या करते हैं, इसको रिएक्शन पहले एक बार देख लीजिए। ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ही मतलब डिफ्रेंशिएट करता है। लेट्स से मेरे पास में प्राइमरी अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन अगर मैं Pi3 से करूं तो मेरा आइडो एल्किन्स बनेगा। आइडो एल्किन्स की रिएक्शन अगर सिल्वर नाइट्रेट से करूं तो हमारा बनेगा नाइट्रो एल्किन। सिंपल SN2 रिएक्शन है, ठीक है। और ये रीजन जो किसी को याद हो तो मैंने डाइजोनियम सॉल्ट में बताया था कि HNO जो ग्रुप होता है उसमें नाइट्रोसोनियम आयन बनता है, और नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो इस पर अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, बाय डबल बॉन्ड और NOH। और ये जो नाइट्रोलिक एसिड बनता है प्राइमरी अल्कोहल से, ये NOH की प्रेजेंस में रेड कलर देता है। तो प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में कौन सा टेस्ट देते हैं, रेड कलर। कौन सा कलर देते हैं, रेड कलर। सेम ही मतलब अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल ले फिर Pi3 से रिएक्शन करें तो Pi3 से रिएक्शन करने के बाद हमारा अल्कोहल ग्रुप निकल जाएगा और आयोडाइड बनेगा, आयोडो एल्केन बनेगा। फिर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करें और तो हमारा नाइट्रो एल्केन बनेगा। और नाइट्रो एल्केन की जब HNO से रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, तब इस क्योंकि इस पर प्रोटोन नहीं है, इस पर एक ही प्रोटोन है, एक प्रोटोन होने की वजह से NO ग्रुप ही अटैच होता है और इसको बोलते हैं सूडो नाइट्रोल्स। सूडो नाइट्रोल्स जो होते हैं NOH में इनसॉल्युबल होते हैं और इसी कंपाउंड का ब्लू कलर हमको अपेयर होता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है NOH में इनसॉल्युबल होते हैं, ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं, सूडो नाइट्रोजन्स को बोलते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल इस रिएक्शंस में कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब बता देते हैं, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल है Pi3 के साथ रिएक्शन करो, आयोडाइड बनेगा, आयोडो एल्केन बनेगा, फिर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करो, नाइट्रो एल्केन बनेगा और HNO के साथ रिएक्शन करके नो रिएक्शन होती है। तो 1 डिग्री क्या कौन सा कलर देता है, रेड कलर, वो सॉल्युबल होता है NOH में। 2 डिग्री ब्लू कलर देता है नाइट्रोल, उसको सूडो नाइट्रोल्स की वजह से, और 3 डिग्री कोई भी रिएक्शंस नहीं जाता है। तो 2 टेस्ट अल्कोहल के होते हैं जो हमको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा काम, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ। इस सीरीज को मिस मत करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स जो केमिस्ट्री में और जो केमिस्ट्री में PhD पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन मास्टर्स में, उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।